भारत और ऑस्ट्रेलिया के बीच टेस्ट सीरीज का पहला टेस्ट यानी कि पिंक बॉल टेस्ट एडिलेड में खेला जा रहा है और आज इस टेस्ट मैच का पहला दिन है। बता दें आपको कि करीब 67 ओवर का खेल पूरा हो चुका है और भारत का स्कोर 148 से ज्यादा है, यानी कि करीब 150 रन भारतीय टीम ने बोर्ड पर लगा लिए हैं। हालांकि काफी स्लो आए हैं ये 150 रन, लेकिन धीरे धीरे भारतीय टीम ने अपनी पारी को आगे बढ़ाया है। ये पहले वाला ऑस्ट्रेलिया का दौरा नहीं हो रहा है जैसा भारत जाता था और इंस्टेंट कोलैप्स का शिकार हो जाता था। आज भी ऐसा लगा कि इंस्टेंट कोलैप्स हो जाएगा जब पृथ्वी शॉ को पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर मिचेल स्टार्क ने चलता किया था, लेकिन मयंक अग्रवाल और चेतेश्वर पुजारा ने समय लेते हुए भले ही 32 रनों की साझेदारी की, लेकिन शुरुआत के जो टिपिकल 1.5 घंटे होते हैं ऑस्ट्रेलिया में उसे निकाल दिया, जिसके बाद विराट कोहली को प्लेटफॉर्म मिला। मयंक अग्रवाल पैट कमिंस का शिकार बने अंदर आती हुई गेंद पर आउट हुए, लेकिन उसके बाद चेतेश्वर पुजारा और विराट के बीच 68 रनों की शानदार साझेदारी हुई। इस साझेदारी के दम पर भारत ने करीब 50 ओवर में 100 रन बोर्ड पर लगा दिए थे, लेकिन टी से ठीक पहले चेतेश्वर पुजारा अपना विकेट गंवा बैठे। चेतेश्वर पुजारा को नेथन लायन ने लेबुशेन के हाथों कैच आउट कराया, लेकिन इसके बाद विराट कोहली कप्तान और उपकप्तान अजिंक्य रहाणे के बीच शानदार साझेदारी हुई और ये साझेदारी करीब 50 रन की हो चुकी है। अजिंक्य रहाणे 18 से ज्यादा रन बना चुके हैं और विराट कोहली भी 62 से ज्यादा रन बनाकर फिलहाल नाबाद हैं। और जिस तरीके की बल्लेबाजी आज हो रही है भारत की तरफ से वो वाकई में काबिले तारीफ है। अगर इसी तरीके की बल्लेबाजी और होती रही तो भारत करीब 350 से 450 रन बोर्ड पर लगा सकता है, जिसके बाद ऑस्ट्रेलियाई टीम भी बड़े ट्रबल में पड़ जाएगी। विराट कोहली का शानदार अर्धशतक और अजिंक्य रहाणे की सूझबूझ भरी पारी ने भारत के स्कोर को 150 के पार पहुंचा दिया है। विराट कोहली यहां पर 66 रन बनाकर नाबाद हैं और अजिंक्य रहाणे संभल कर बल्लेबाजी कर रहे हैं। आज विराट कोहली ने सभी गेंदबाजों की जमकर खबर ली है, चाहे वो मिचेल स्टार्क हों, जॉश हेजलवुड हों, पैट कमिंस हों, कैमरन ग्रीन हों, नेथन लायन हों और मानस लेबुशेन क्यों ना हो। बड़ी बात यह है कि मिचेल स्टार्क, जिनका कि अंडर ट्विलाइट यानी कि अंडर फ्लड लाइट से रिकॉर्ड बेहद शानदार रहा है, आज मिचेल स्टार्क की भी जमकर खबर ली है आज विराट कोहली ने। और शानदार तरीके की साझेदारी भारतीय टीम की तरफ से विराट कोहली और अजिंक्य रहाणे ने की है और रहाणे और विराट की साझेदारी ने भारत के स्कोर को एक अच्छे स्कोर तक पहुंचा दिया है। बड़ी बात यह है कि कप्तान और उपकप्तान के बीच हमने पहले भी कई साझेदारियां देखी हैं, लेकिन ये साझेदारी खास इसलिए है क्योंकि भारत का पहला ये विदेश में पिंक बॉल टेस्ट है और ओवरऑल दूसरा पिंक बॉल टेस्ट है। ऑस्ट्रेलिया पिंक बॉल टेस्ट का चैंपियन माना जाता है, लेकिन भारत जिस तरीके की टक्कर ऑस्ट्रेलिया को ऑस्ट्रेलिया में दे रहा है, ऑस्ट्रेलिया के लिए इतना आसान नहीं होगा क्योंकि भारतीय तेज गेंदबाज भी ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों की खबर लेंगे। याद रखना होगा कि डेविड वार्नर इस टीम में नहीं है, याद रखना होगा कि इस टीम में सिर्फ 5 बल्लेबाज खेल रहे हैं ऑस्ट्रेलिया की तरफ से, तो उस लिहाज से देखा जाए तो भारतीय टीम के लिए ये बहुत अच्छा मौका है अपने आप को साबित करने के लिए और अपनी टीम को आगे लेकर जाने के लिए। ANP न्यूज़ रूम की रिपोर्ट।